हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में विटामिन डी की जरूरत के बारे में। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके नेचुरल सोर्सेस क्या हैं, सप्लीमेंट देना ही जरूरी है क्यों, क्यों डॉक्टर 7 दिन के बाद से ही विटामिन डी बच्चों को देते हैं, इन तरीके के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी जरूरी क्यों है। देखिए, बच्चा छोटा है उसमें विटामिन डी का रिजर्व नहीं रहता है, मतलब बॉडी में पहले से बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहता है, स्टोर नहीं रहता है। और बच्चा तेजी से बढ़ रहा है, उसकी बोन्स तेजी से ग्रो हो रही हैं। अब हमको ये तेजी से जो बोन्स ग्रो हो रही हैं उसको स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ी, कैल्शियम। तो ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क बच्चा ले रहा है उसमें कैल्शियम तो है, अप टू 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उसको प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा है। बाद में 6 मंथ्स के बाद डाइट के थ्रू भी कैल्शियम बॉडी को मिल रही है, लेकिन क्या ये जो कैल्शियम बॉडी को मिल रही है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है, एब्जॉर्ब हो पा रही है, ये डिसाइड करेगा विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं गेट कीपर है, वो जब गेट खोलेगा तभी कैल्शियम अंदर जा पाएगा। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा, ये गेट बंद रहेगा, तो चाहे जितना कैल्शियम आप बच्चे को खिला ले या खुद खा ले, ये बॉडी में वेस्ट ही होगा। मतलब जिस तरीके से कैल्शियम आ रहा है और वो वेस्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, बॉडी को नहीं मिल पाएगा। तो अगर बॉडी को कैल्शियम की जो भी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करनी है तो हमको चाहिए होगा विटामिन डी। तो आइए जानते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में जो बहुत कॉमन है। लोग बोलते हैं कि क्या नेचुरल सोर्स नहीं है विटामिन डी का, सप्लीमेंट देना ही जरूरी है क्या? तो सप्लीमेंट ही देना जरूरी नहीं है, नेचुरल सोर्सेस भी हैं। अगर डाइट की बात करें तो फिश ऑयल, एग योक, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, बट इनकी क्वांटिटी बहुत लेस है। जितना रिक्वायर्ड डेली डोजेस है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से फुलफिल नहीं हो सकता, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो। और अप टू 1 ईयर्स तो हम ना फिश देते हैं बच्चों को ना एग देते हैं, तो ये भी ऑप्शंस अलग हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेन सोर्स क्या बचता है, सनलाइट। और सनलाइट जो है प्राइमरी सोर्स है विटामिन डी का। ये क्या करता है, जैसे सनलाइट में यूवी रेज होती है, स्किन पे पड़ती हैं, तो ये यूवी रेज जो है स्किन के ऊपरी लेयर में विटामिन डी बनाती है, ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके बॉडी में थोड़ी फॉर्म में स्टोर रहती है। तो अगर आप बच्चे को प्रॉपर डेली थोड़ी देर के लिए, जो भी रिक्वायर्ड टाइम है मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, आप सनलाइट एक्सपोजर देते हैं तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे हर पीडियाट्रिशियन आजकल बच्चे को 7th डे से ही, जब आप फर्स्ट विजिट पे जाते हैं बेबी बर्थ के बाद, तो विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट प्रिस्क्राइब करते हैं डेली देने के लिए, ताकि उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बच्चे को बचाया जा सके। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज। ये आपने जो विटामिन डी ड्रॉप्स देखी होंगी बच्चे में, उसमें D3 लिखा रहता है, ऐसा क्यों? ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रही हूँ। देखिए, दो तरीके के विटामिन होते हैं, D2 और D3। D2 प्लांट में जो सोर्सेस है उसमें पाया जाता है, D3 एनिमल किंगडम यानी कि हम में भी जो विटामिन डी बन रहा है वो D3 है, इसीलिए जो आपको सप्लीमेंट दिया जाता है वो D3 रहता है। तो अब आप ही लोग बताइए, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को रोज धूप में ले जाते हैं, बच्चों को छोड़िए आप खुद ही कितनी देर धूप में बैठते हैं। अगर जाते भी हैं धूप में तो बॉडी को कवर कर लेते हैं, जब तक यूवी रेज सनलाइट की रेज जो है स्किन में पड़ेंगी नहीं तो बॉडी विटामिन डी बनाएगी कैसे। तो विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी है कि बॉडी थोड़ी सी एक्सपोज रहे ताकि उसमें सन रेज पड़े। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर फालतू में प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं लिया था विटामिन डी, उन्होंने हमें नहीं दिया था, तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, तब का जमाना अलग था, घरों में आंगन होते थे, प्रॉपर सनलाइट हर घर में पहुंचती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे आपस में खेलते थे तो धूप उनको मिल जाती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आप में से बहुत लोग जो अपार्टमेंट में फ्लैट में रह रहे हैं सनलाइट पहुँचती ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में विटामिन डी से होने वाली कमी को बचाने के लिए प्रिकॉशनरी विटामिन डी दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बच्चों को धूप में बिठा सकते हैं हर दिन, तो आप बिल्कुल बेशक सप्लीमेंट्स नहीं लीजिए। आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि हम ये चीज़ फॉलो करेंगे, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे।
अब जानते हैं विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो टिल 1 ईयर जो इन्फेंट एज होती है उसमें होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। इसीलिए जो ड्रॉप्स दी जाती है उसकी भी डोज होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट, और 1 साल के बाद ये डोज हो जाती है 600 इंटरनेशनल यूनिट। हम में आप में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है। तो आप खुद भी धूप में बैठे और बच्चे को भी धूप में बिठाएं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? विटामिन डी की कमी होगी मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इससे होती है रिकेट्स नाम की बीमारी, जिसमें क्या होता है हड्डियां वीक हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बो लेग्स होते हैं मतलब पूरी कर्व हो जाते हैं पैरों की हड्डियां, सारी बॉडी की बोन्स वीक हो जाती हैं, टीथ वीक हो जाती हैं। और ये तो बहुत लेट स्टेज में, स्टार्टिंग में बच्चे को कमजोरी महसूस होगी, भूख कम लगेगी। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप जरूर विटामिन डी का चेकअप कराएं डॉक्टर से। आप बताएं बच्चे को वीकनेस लगती है, एपेटाइट लूज हो गई है, कई बार बच्चा जो खाना नहीं खा रहा उसकी एक ये भी कमी क्या कारण हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितनी देर सनलाइट इम्पॉर्टेंट है? देखिए पूरा दिन धूप में नहीं बैठना है विटामिन डी के लिए। अगर आप 15 to 20 मिनट्स भी 35% बॉडी एक्सपोज्ड है और धूप में बैठते हैं तो जितनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स है उस दिन के लिए वो मिल जाएगी। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्टर फालतू में विटामिन डी दे रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर एक प्रिकॉशन के तौर पे दे रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि सन रेस को आपके घर तक पहुंचा देंगे। बीमारियों से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं डॉक्टर पैसे कमाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, विटामिन डी से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपके आंसर्स आपको मिल गए हो। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपको उसके आंसर्स जरूर कमेंट करके बताऊंगी। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।